नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। पूरा देश इन दिनों कोरोना की दहशत में जी रहा है। एक और कोरोना संक्रमितों की संख्या और मौत के आंकड़े डरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण के बढ़ने की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन का डर भी सता रहा है। ऐसे हालात में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने उद्योग जगत को ये विश्वास दिलाया है कि देशव्यापी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि इस बार पूरे देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। दरअसल देश में कोरोना के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से फिर से पूर्ण लॉकडाउन की आशंका बढ़ गई है। पिछले साल मार्च में सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया था। दरअसल कोरोना की इस दूसरी लहर की भयावहता को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन लगाने को लेकर अटकलें काफी तेज हो गई थी। लॉकडाउन के डर से श्रमिकों का पलायन भी लगातार जारी है। कोरोना महामारी के बीच सरकार की नीतियों को लेकर फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष अनिमेश सक्सेना की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से फोन पर चर्चा हुई। सक्सेना ने बताया कि फोन पर हुई बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा है कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे, लेकिन देशव्यापी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सभी राज्यों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। राज्यों में ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी नहीं होने दी जाएगी, साथ ही वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी पूरी तेजी से चलाया जा रहा है। वित्त मंत्री ने फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष से लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों के बारे में जानकारी भी ली। फिक्की सहित देश भर के कई उद्योग और व्यापार संगठनों ने सरकार से देशव्यापी लॉकडाउन न लगाने की गुजारिश की है। उद्योग जगत के लोग पिछले काफी दिनों से लॉकडाउन को लेकर चिंता जता रहे थे, क्योंकि पिछले साल की तरह अगर लॉकडाउन लगा तो श्रमिकों और माल की आवाजाही प्रभावित होगी और इसका औद्योगिक उत्पादन पर बड़ा असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।